राइस और राजमा का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वैष्णव वृंदा ब्लॉक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हमने बनाई है राजमा चावल, बहुत ही अच्छी डिश है, सभी लोग अच्छे से खाते हैं इसको, स्वादिष्ट होती है ये, ताकतवर भी होती है। दोस्तों वैष्णव वृंदा ब्लॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा आपको, दोस्तों आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, आप चिड़ियों को छत पर पानी जरूर रखें। राधे राधे, जय श्री राधे। और देखिए दोस्तों, और हम बनाएंगे राइस इसके राजमा के साथ में। ये हमारी मटर है, ये हमारी गाजर है, तो देखिए चलिए तो शुरू करते हैं हम बनाना। तो देखिए तेल तो हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे जीरा। तो देखिए दोस्तों जीरा हमारा डाल दिया, जीरा हो गया है, तो इसे हम डाल रहे हैं थोड़े गर्म मसाले, खड़े मसाले। ये देखिए थोड़े मसाले में हमने डाली है दो लौंग, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची। और दोस्तों अब इसमें हम डालेंगे वेज। तो देखिए दोस्तों इसमें मटर डाल दिए हमने थोड़े, और इसमें हम डालेंगे थोड़े गाजर, जो मसाला हमारा तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे राइस। तो देखिए दोस्तों राइस हमारे तैयार हो रहे हैं, अब ये कितना सुंदर लग रहे हैं देखने में। ये हम डालेंगे राजमा चावल के साथ खाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा चावल बनके तैयार है प्लेट में डालने। देखो ये दोस्तों ये हमारा राइस बनके भी तैयार है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वैष्णव वृंदा ब्लॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे राजमा। ये हमारा धनिया पाउडर है, ये हमारा अदरक है, ये जीरा है, ये लाल मिर्च है, ये हल्दी है, ये हमारा गरम मसाला है और ये हमारी हींग है। देखो दोस्तों तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे अपने खड़े मसाले। देखिए दोस्तों हम इसमें डाल देंगे जीरा, अदरक, तो इसमें हम डाल देंगे जीरा, अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों हम इसमें आप डालेंगे अपनी हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, धनिया पाउडर और ये हींग हम बाद में डालेंगे। देखिए दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर, इसमें सारे मसाले हैं हमारे, इसको भूनेंगे अच्छे से मसाले को। राजमा का हमारा मसाला है ये, फिर हमारी राजमा छोटी वाली है, पहाड़ी राजमा। देखिए दोस्तों मसाला हमारा भून रहा है अच्छे से। अभी कच्चा है हमारा मसाला, अभी तेल नहीं छोड़ा है, हम अच्छे से इसको भूनेंगे पहले, तब इसमें डालेंगे हम भून। देखो दोस्तों हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। देखिए दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे हींग।
देखो दोस्तों राजमा हमारे बनके तैयार है और आपने डाल दी। तो देखिए दोस्तों दोनों डिश तैयार हैं, ये राइस और राजमा बनके तैयार है खाने के लिए। तो आइए दोस्तों आप भी मज़ा लीजिए राइस और राजमा।